नेताजी की पोर्ट्रेट 1978 में सेंट्रल हॉल में लगाई जब जनता पार्टी की सरकार थी। लाल बहादुर शास्त्री और चरण सिंह उनका पोर्ट्रेट भी 1993 में गैर परिवार की सरकार में लगा। सरदार पटेल के योगदान को भी कांग्रेस ने हमेशा नकारा। सरदार साहब को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा बनाने का गौरव भी हमें प्राप्त हुआ। हमारी सरकार ने दिल्ली में पीएम म्यूजियम बनाया, सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों को सम्मान दिया। पीएम म्यूजियम दल और पार्टी से ऊपर उठकर सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित है। उनको ये भी नहीं पता है क्योंकि उनके परिवार के बाहर का कोई भी प्रधानमंत्री बना हो वो उनको मंजूर नहीं है, वो उनको स्वीकार नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है। और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है। और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सच्चाई तो ये है, देश की जनता ने दो दो बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहां कैसे बैठा? आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मानते थे, वो यहां कैसे बैठ गया? ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है। और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी, 2024 में भी सोने नहीं देगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, आज उस हवाई जहाज में गरीब के लिए वैक्सीन जाता है। ये फर्क है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक जमाना था कभी ड्राई क्लीन के लिए कपड़े हवाई जहाज से आते थे, आज गरीब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी छुट्टी मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नौसेना के युद्धपोत मंगवा लेते थे, नौसेना के युद्धपोत मंगवा लेते थे मौज मस्ती के लिए, आज उसी नौसेना के जहाज दूर देशों में फंसे भारतीयों को अपने घर लाने के लिए, गरीबों को अपने घर लाने के लिए
उपयोग में आते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो लोग आचार व्यवहार चाल चरित्र से राजा बन गए हो, आधुनिक राजा के रूप में ही जिनका दिमाग काम करता हो, उन्हें गरीब का बेटा यहाँ होने से परेशानी होनी होनी है। आखिर ये नामदार लोग हैं और ये कामदार लोग हैं। आदरणीय देखिए, कुछ बातें बहुत ही समय पर मुझे कहने का अवसर मिलता है, बहुत सी बातें ऐसी होती है। इत्तेफाक देखिए, कोई मैं तो तय करके बैठता नहीं हूं, लेकिन इत्तेफाक देखिए, कल यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई थी। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। और अध्यक्ष जी, इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है जी, 24 घंटे सपने में भी उनको मोदी आता है। मोदी अगर भाषण करते समय बीच में पानी पिए तो ये कहते हैं, अगर पानी भी पिया तो सीना तान के कहते, देखिए मोदी को पानी पिला दिया। अगर मैं गर्मी में कड़ी धूप में भी जनता जनार्दन के दर्शन के लिए चल पड़ता हूँ, कभी पसीना पोंछता हूँ तो कहते हैं, देखिए मोदी को पसीना आ दिया। देखिए इनका जीने का सहारा, देखिए एक गीत की पंक्ति है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं, बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा यह हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं, लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं, मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इको सिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टिकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, हम तो यहाँ बैठे हुए काफी लोग गांव गरीब वाली पृष्ठभूमि से हैं। यहाँ सदन में बड़ी संख्या में लोग गांव और छोटे कस्बों से आते हैं, और गांव का कोई व्यक्ति विदेश जाए सालों तक वो उसके गीत गाता रहता है। एक आध बार भी कभी विदेश जाए देख करके आया हो, सालों तक बताता रहता है, मैं ये देख के आया, मैंने ये सुना, मैंने ये मुझे देखा। स्वाभाविक है, गांव का व्यक्ति जिसने बेचारे ने दिल्ली मुंबई भी ना देखा हो और अमेरिका जाके आ जाए, यूरोप जाके आ जाए, तो वो वर्णन करता रहता है। जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, वो खेतों को देखकर हैरान होने ही होने हैं। अध्यक्ष जी, हम आप लोग तो जो कभी जमीन पर उतरे ही नहीं, जिन्होंने हमेशा गाड़ी का शीशा डाउन करके दूसरों की गरीबी देखी है, उन्हें सब हैरान करने वाला लग रहा है। जब ऐसे लोग भारत की स्थिति का वर्णन करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भारत में 50 साल तक उनके परिवार ने राज किया था। एक प्रकार से जब भारत के इस रूप का वर्णन करते हैं तब वो अपने पूर्वजों की विफलताओं का जिक्र करते हैं, ये इतिहास गवाह है। और इनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए नई नई दुकानें खोल करके बैठ जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इन लोगों को पता है कि इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा, और आज इस चर्चा के बीच देश के लोगों को मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस घमंडिया गठबंधन की आर्थिक नीति से भी सावधान करना चाहता हूं। ये देश में ये घमंडिया गठबंधन ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता है जिससे देश कमजोर हो और उसका सामर्थ्य बढ़ न पाए। हम अपने आसपास के देशों में देखते हैं जिन आर्थिक नीतियों को लेकर के कांग्रेस के और सुध साथी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से खजाने से पैसे लुटाकर वोट पाने का खेल खेल रहे हैं, हमारे आसपास के देश के हालात देख लीजिए, दुनिया के उन देशों की स्थिति देख लीजिए। और मैं देश को कहना चाहता हूं, इनसे सुधरने की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, वो जनता इनको सुधार देगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार की चीजों का दुष्परिणाम हमारे देश पर भी हो रहा है, हमारे राज्यों पर भी हो रहा है। चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप वायदों के कारण अब इन राज्यों में जनता के ऊपर नए नए दंड डाले जा रहे हैं, नए नए दो बोझ डाले जा रहे हैं, और विकास के प्रोजेक्ट बंद करने की घोषणा की जा रही है, विधिवत रूप से घोषणा की जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक घमंडिया गठबंधन की जो आर्थिक नीति है, उस आर्थिक नीतियों का मैं परिणाम साफ देख रहा हूं, और इसलिए मैं देशवासियों को चेतावनी, देशवासियों को सत्य समझाना चाहता हूं। ये लोग
ये गबन या गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है, भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्टिकरण की, ये तुष्टिकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को दो शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कभी भारत को टॉप थ्री अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप थ्री की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है, ये कभी भी देश को विकसित बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं। उस दिशा में ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं।